जून को हम आपके साथ खड़े। कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल पर टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादव, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो एक यूजेंट की पार्टी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ए टू जेड का नारा दोहराया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि राजद का मतलब सिर्फ यादव और मुसलमान नहीं होता है। कुछ लोग ये टैग लगा देते हैं कि राजद जो है यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, एम वाई समीकरण की भी बात कही जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुले मन से यह साफ कह दिया है कि देखिए, राजद जो है सिर्फ यादव और मुसलमान की पार्टी नहीं है, बल्कि ए टू जेड की पार्टी है और हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। अब तेजस्वी यादव ने ये बातें हाजीपुर में कही है। कल आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे, कई समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कई सारी बातें भी कही। तेजस्वी यादव ने जो सबसे खास बात कही वो ये थी कि राजद सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हम ए टू जेड का नारा देते हैं और ए टू जेड की पार्टी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव सरीखे तमाम जो नेता हैं वो अपनी गतिविधियों में लग गए हैं और इस बयान को भी उसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब तेजस्वी यादव ने ए टू जेड का नारा दिया है। एमएलसी चुनाव को भी आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने ए टू जेड का नारा दिया था और उस दौरान उन्हें इस नारे का फायदा भी मिला था। एकता की बात आती है, मजबूती की बात आती है, अपनी बातों को, अपनी मांगों को, समाज की समस्याओं को सरकार के सामने आप लोग रख सकते हैं और एकता में ही शक्ति। और अभी रामेश्वर जी कह रहे थे कि आप लोग तो प्यार बांटने वाले लोग हैं, समाज में मिठास घोलने वाले लोग, शांति प्रिय लोग, तो इससे कोई हमारी अलग राय नहीं, हमारी भी राय वही। और जो लोग शांति प्यार अमन चैन चाहते हैं या जहां होता है वही राज्य और देश जो है विकसित करता है। ना एकता होती, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी, जहां अमन चैन है वहां विकास है। इसलिए आप सब लोगों ने आज के कार्यक्रम में इतनी गर्मी में ग्रामीण इलाकों से और कई तरह समाज के बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, आज वैशाली आदिपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है। और आप सब लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद से दिया, हम आपके समाज से आप लोगों से यही कहेंगे कि आपके साथ चाहे सुख हो दुख हो हम आपके साथ खड़े हैं। आपका समाज आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े और जो योगदान देना पड़ेगा आपके समाज को बढ़ाने में वो योगदान जो हमारा प्रयास रहेगा कि आपका समर्थन और साथ देते रहे ताकि आपका समाज आगे बढ़े। और यही नहीं, अगर कहीं भी बिहार में कोई गड़बड़ करना चाहेगा आपके समाज के साथ, कोई गलत काम करना चाहेगा तो उसको हम लोग छोड़ने का काम नहीं। आप लोगों के प्रति सम्मान है और आप लोग जानते ही हैं, अभी बताया ही क्या, पिछले बार देव कुमार सुरक्षा जी को हाजीपुर से हम लोगों ने टिकट दिया था, लगभग जीत ही गए, थोड़ा सा मार्जिन रह गया, लेकिन आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और प्रवक्ता से भी हम लोगों ने टिकट दी क्योंकि मेरा मायना है। कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल पर टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादव, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नए लोग हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब तक सभी लोगों को साथ लेकर के ना चले तो हम उसमें सफल नहीं।
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है वो एक टू जेड की पार्टी, और आप लोगों ने जो साथ दिया पिछले चुनाव में, भले ही प्रवक्ता का भी मार्जिन चुनाव बहुत ही कम वोट सहा था, लगभग 1500 के आसपास, 800-700, तो सब जानते हैं कहे गए गड़बड़ाया लेकिन फिर भी जो आपके रिजल्ट है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। खैर जो भी है, अगर गड़बड़ाता नहीं तो आपका कम से कम एक सदन में सदस्य तो जरूर होता, और थोड़ा थोड़ा और मेहनत करेंगे तो बाकी का भी भविष्य जो है उज्ज्वल रहेंगे। हम सब लोग जो है साथ लेकर के थे, और उस समय चुनाव से पहले तो हम लोग विपक्ष में थे, चुनाव के बाद भी एक दो साल विपक्ष में, लेकिन यही प्रांगण में, इसी प्रांगण में देव कुमार चौरसिया जी का मिलन समारोह था। उन्होंने डिमांड किया था कि भाई हमारे समाज के लिए मार्केट खेती के जो महंगा खेती होता है थोड़ा कष्ट हो जाता है, किसानों का उधार ज्यादा रहता है, बड़ा लोग परेशान रहता है। अभी सरकार बनने के बाद ही हमारे कृषि मंत्री से बात की, हमने कहा कि भाई कम से कम चौरसिया समाज के लिए एक सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस मान की खेती को लेकर के होना चाहिए। तो अब वो फैसला हुआ है कि बिकुलपुर के इलाके में उसको जो है खोला जाएगा, उसकी जो लागत आएगी 40 करोड़ की लागत आएगी। 40 करोड़ की लागत से पान की खेती और आप लोगों का उज्ज्वल भविष्य को देखते हम लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी और जो भी छोटी मोटी बातें होंगी तो चीज को हम लोग जो है समय रहते हुए प्रयास करेंगे कि दूर कर दे, लेकिन ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग आपका समाज दो कदम चलेगा तो हम साथ साथ करेंगे। बिहार से बाहर से लोग आए हैं आपके समाज के, उन सबका बिहार के धरती पर स्वागत करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, देव कुमार चौरसिया जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तेजस्वी यादव यहां चौरसिया समाज के द्वारा आयोजित एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, और इस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही। देखिए, बिहार में बार बार ऐसा कहा जाता रहा है, ये तेजस्वी यादव नहीं कह रहे हैं, ये लगभग लोगों से आप पूछ लीजिएगा बिहार में तो वो यही कहेंगे कि राजद का मतलब यादव या फिर मुसलमान। वोट का असर भी देखने को मिलता है, और जब बात वोट की होती है और जब बात चुनाव की होती है तो ये फैक्टर ज्यादा काम करने लगता है। MY समीकरण की बात हम कर रहे हैं। अब इस MY समीकरण से तेजस्वी यादव ने पल्ला झाड़ने की कोशिश पिछले कुछ महीनों से की है, कुछ सालों से की है, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने नारा दिया है कि हम A to Z की पार्टी हैं, मतलब सबको साथ लेकर चलना है हमें, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, या कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, हम सभी की पार्टी है। और राजद का मतलब ये परसेप्शन आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सिर्फ यादव और मुसलमान होता है, क्योंकि कुछ लोग जो होता है वो टैग लगा देते हैं, टैग लगाते हुए कहते हैं कि राजद तो भाई यादव और मुसलमान की पार्टी है, और साफ इसमें कोई उन्हें हेजिटेशन भी नहीं होता है। लेकिन अब उस परसेप्शन को तेजस्वी यादव तोड़ने की बात कह रहे हैं, और उस परसेप्शन को हटाने की बात कहते हुए साफ कह रहे हैं कि देखिए, हम जो हैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। आपको पता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, और नीतीश कुमार भी बार बार ये कहते रहे हैं कि हम बिहार का विकास चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी चूंकि अब डिप्टी सीएम एक बार फिर से बने हैं, महागठबंधन की जब नई सरकार बिहार में बनी है, तो तब ये नारा तेजस्वी यादव ज्यादा बुलंद कर रहे हैं। और चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो अब प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी। पर तेजस्वी यादव का ये बयान इन मायनों में खास हो जाता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को लेकर एक बार फिर से वही नारा बुलंद करते हुए कहा है कि हम जो है A to Z की पार्टी है, हमारी पार्टी में हर कोई आता है, हमारी पार्टी के अंतर्गत हर कोई आ सकता है, हम हर किसी के पास जाएंगे और हर किसी के समर्थन से, हर किसी के सहयोग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम नए लोग हैं और नए लोगों की सोच जो है पुराने लोगों से बेहतर होती है, या फिर यूं कहें कि अलग होती है, क्योंकि पहले की सोच कुछ और थी, आज की सोच कुछ और है, तब समीकरण कुछ किसी और तरीके से सेट किए जाते थे, और आज के पॉलिटिकल हालात की बात करें तो समीकरण किसी और तरीके से सेट किए जाते हैं। जातीयता आज भी बिहार में बरकरार है, जाति आधारित वोट बैंक का परसेप्शन भी बरकरार है, लेकिन अब तेजस्वी यादव उस परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम A to Z लेकर चलेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। बड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।